तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सांख्यिकी के अंतर्गत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था। आपको याद आए तो वर्गीकरण में हम लोगों ने ये कहा था कि हमने जिन भी डेटा को कलेक्ट कर रखा है, हमें उन्हें बेटर एनालिसिस करने के लिए उनको अलग अलग, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। और जब हम लोग हमारे डेटा को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग ग्रुप में बेटा डिवाइड करते हैं, तो इसे डिवाइड करने की प्रोसेस को हम लोग वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बेटा यहाँ पर बोलते हैं। हमने ये कहा था कि हमारे जो भी डेटा है ना बेटा, वो चार तरीके से अलग अलग पार्ट में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला, भौगोलिक आधार पर, फिर समयानुसार, फिर हम लोगों ने कहा था कि गुणात्मक वर्गीकरण आपके लिए हो सकता है या मात्रात्मक वर्गीकरण हो सकता है। भौगोलिक बोले तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सिटी वाइज हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एरिया वाइज। समयानुसार क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ईयर मंथ डेज के अकॉर्डिंग। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, कोई ना कोई क्वालिटी बेस होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उन्हें डिवाइड करते हैं। और क्वांटिटेटिव बेटा, कोई क्वांटिटी के बेस पर हम लोग डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंटेंट आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के पॉइंट से ज्यादा आगे के चैप्टर्स जो आएंगे ना बेटा, उन चैप्टर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है बेटा हमारे लिए सांख्यिकी श्रेणियां। सांख्यिकी श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीज, सांख्यिकी श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीज। टेक्निकली स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है उसे समझना। देखो जब भी, देखो हमारा जो मेन मकसद होता है ना स्टेट्स का यूज करने का, मतलब उस स्टैटिस्टिक्स का मेन ऑब्जेक्ट होता है फ्यूचर के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना या फ्यूचर का कोई भी एनालिसिस करना। जैसे पता करना है कि मेरी क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। चलो मान लो ये बेस है अपना, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है। अब एवरेज मार्क्स को पता करने के लिए पहले क्या किया जाता है कि आपके रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा हम लोग इकट्ठे करते हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स से उनके मार्क्स पूछूंगा। कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्लासिफिकेशन किया जाता है बेटा, अलग अलग जो भी बेसिस पर बांटना है उसके हिसाब से। फिर उन्हें प्रॉपर वे में प्रेजेंट किया जाता है, और फिर हम लोग उन्हें एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने का मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला काम में लेंगे, जिस फॉर्मूले के बेस पर बेटा हमारे लिए एवरेज मार्क्स निकल कर आ जाए। लेकिन एनालिसिस करने से पहले ध्यान देना बेटा, एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी विश्लेषण, और इसका मतलब होता है कोई भी फॉर्मूला यूज करना जिससे कि आप किसी आंसर पर पहुंच पाए। और उसको करने से पहले हमें हमारे जितने भी डेटा है ना बेटा, जितने भी डेटा समंक हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उन डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में व्यवस्थित करना पड़ता है, अरेंज करना होता है। और एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस बोले तो फॉर्मूला काम में लेने के लिए, जब आप अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए जब आप अपने डेटा को किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उस अरेंजमेंट को बेटा हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। सांख्यिकी श्रेणियां कहते हैं। वापस से समझ लो सर ने क्या बोला बेटा, जब भी आप लोग कोई एनालिसिस करना चाहते हो तो एनालिसिस करने से पहले आपने जिन डेटा को कलेक्ट किया है जिसके आधार पर आप एनालिसिस करेंगे, उससे पहले हम लोग ना उन डेटा को किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और जब डेटा को किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो उस अरेंजमेंट को हम लोग सांख्यिकी श्रेणियां, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने के वैसे दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं बेटा व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, और एक को बोलते हैं बेटा हम लोग खंडित श्रेणी, इसको यूं बोले अभी मैं
आवृत्ति वितरण भी इसको कहते हैं। अभी देखते चलना बेटा, 2 मिनट, कुछ लिखना नहीं है, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, वहां से नोट करेंगे। आवृत्ति श्रेणी का मतलब होता है बेटा हमारे लिए फ्रिक्वेंसी सीरीज। फ्रिक्वेंसी सीरीज दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, एक को बोलते हैं बेटा अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज। अल्टीमेटली तीन तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में, देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि जब भी हमें कोई एनालिसिस करना होगा, एनालिसिस करने से पहले बहुत ज़रूरी होगा कि हम हमारे कलेक्ट किए हुए डेटा को किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करें। और जब हम हमारे डेटा को किसी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो बेटा उस अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। वैसे ये दो पार्ट बढ़ते हैं, इंडिविजुअल और फ्रिक्वेंसी, मगर फ्रिक्वेंसी दो टाइप की होती है, डिस्क्रीट कंटिन्यूस। आप तीन याद रख लो ना, एक होगा बेटा हमारे लिए इंडिविजुअल सीरीज, एक होगा बेटा हमारे लिए डिस्क्रीट सीरीज, और एक होगा बेटा हमारे लिए कंटिन्यूस सीरीज। इन तीन टाइप की सीरीज को हमने रीड करना है। तो देखो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या हुआ, सांख्यिकी के अंतर्गत समंकों का विश्लेषण, समंक बोले तो डेटा, विश्लेषण बोले तो एनालिसिस करने से पूर्व उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखा जाना आवश्यक होता है तथा समंकों की इसी व्यवस्थित क्रम को सांख्यिकी श्रेणी कहा जाता है। तीन तरह की श्रेणियां हम लोग पढ़ेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। सेम इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, स्टैटिस्टिकल सीरीज रेफर्स टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर। डेटा का अरेंजमेंट इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। बेटा अब पॉइंट आता है, ये नोट्स जिनको भी चाहिए वो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर व्हाट्सएप कर आप इन पीडीएफ को मंगा सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज क्या होगा बेटा, व्यक्तिगत श्रेणी ऐसी सीरीज होती है ना जिसमें आप व्यक्तिगत इकाई के बेस पर, डेटा के बेस पर ना आप यहाँ पर व्यक्तिगत इंडिविजुअली डेटा यहाँ पर लेते हो। जैसे आपको याद है आपका जब एग्जाम होता था, याद करो जब आप स्कूल में कोई भी टेस्ट वगैरह देते थे तो टीचर क्या करता था ना कि आपकी इस तरह की एक ग्रीन लिस्ट भरते थे जहां पर आपका रोल नंबर और मार्क्स भरते थे कि रोल नंबर 1 के इतने मार्क्स हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने हैं, 4 के इतने हैं, 5 के इतने हैं, 6 के इतने हैं, ऐसे बेटा ना वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स भरते थे। मैं यहाँ बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि मेरे रोल नंबर 2 के कितने मार्क्स आए, रोल नंबर 4 के कितने मार्क्स आए, रोल नंबर 6 के कितने मार्क्स आए। हर एक रोल नंबर के मार्क्स हम लोग यहाँ आसानी से पता कर सकते थे। यहाँ मेरी क्लासरूम में मान लो 6 ही स्टूडेंट थे तो 6 के 6 कुल टोटल इंडिविजुअल बंदे कितने हैं बेटा, 6 बंदे हैं बेटा। हर एक इंडिविजुअल बंदे के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है, जितनी मेरे एनालिसिस में इंडिविजुअल यूनिट काम आने वाली है, मेरी एनालिसिस में इंडिविजुअल यूनिट्स कितनी काम आने वाली है बेटा, 6। हर एक इंडिविजुअल यूनिट्स के मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं। इस सीरीज को बेटा हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी कहेंगे। तो जब भी ना बेटा मेरे पास कभी भी नाम के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू दे दी जाए, नाम जैसे हो सकता था रोल नंबर ना लिखकर आपका राम श्याम मोहन नाम ही लिख दे, या रोल नंबर के अकॉर्डिंग बेटा कोई भी वैल्यू दे दे, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू दे दे, मंथ के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू दे दे, ईयर के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू दे दे कि इस ईयर में ये वैल्यू थी, इस ईयर में ये वैल्यू थी, या सिर्फ वैल्यू ही दे रखी है, कब कब बेटा माइंड में बिठाना, ये सब मिलेगा नोट्स में आपको, आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। जब जब आपको नेम के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखा हो, रोल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखा हो, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखा हो, मंथ के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखा हो, ईयर के अकॉर्डिंग वैल्यू दे रखा हो, या सिर्फ वैल्यू जैसे सिर्फ मार्क्स ही दे दिए जाए, तो उस सिचुएशन को बेटा हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बेटा, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। हर एक व्यक्तिगत इकाई के डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम लोग बेटा यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज कब होगी, माइंड में सेट करो, अपने को कब दे रखा होगा क्वेश्चन, हमें पहचानना पड़ेगा ये इंडिविजुअल सीरीज है या ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा।
इंडिविजुअल सीरीज कब कब हो सकती है, जब कभी नेम के साथ कोई वैल्यू दे दे, कोई रोल नंबर के साथ कोई वैल्यू दे दे, सीरियल नंबर के साथ वैल्यू दे दे, मंथ के साथ वैल्यू दे दे, ईयर के साथ वैल्यू दे दे, या सिर्फ कोई वैल्यू दे रखा है तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन अगर कभी भी मुझे ना किसी वैल्यू के फ्रिक्वेंसी गिवन, वैल्यू के क्या गिवन हो बेटा, फ्रिक्वेंसी, जैसे ऐसे दिया हुआ है कोई भी वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, वैल्यू को हम लोग यहाँ एक्स कहते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोगों को ऐसे दी हुई है, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अपने को ऐसे वैल्यू के साथ फ्रिक्वेंसी गिवन होना बेटा, तो उस सीरीज को हम लोग इंडिविजुअल सीरीज ना बोलकर उस सीरीज को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। यहाँ मुझे हर एक वैल्यू की फ्रिक्वेंसी दे रखी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि मेरी क्लासरूम में 2 मार्क्स 3 जनों के आए हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कि 2 मार्क्स कितने जनों के रिपीट हुआ है, 2 मार्क्स कितने जनों के आए हैं बेटा, 3 स्टूडेंट्स के, 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए हैं, 6 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के आए हैं, 8 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। हर एक वैल्यू की फ्रिक्वेंसी दे रखी है। आप ये बता सकते हो इस सीरीज में कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई थी। 2 मार्क्स 3 जनों के आए थे तो 3 फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, 4 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए थे तो 7 फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, 6 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के आए थे तो 10 फ्रिक्वेंसी उसकी कहलाएगी। पॉइंट आता है कि सर डिस्क्रीट सीरीज बनाते कैसे हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी से सिखा रहा हूँ आपको। मान लो ये डेटा है हमारे लिए, ये 25 मार्क्स है बेटा हमारे लिए स्टूडेंट्स के, इनको मुझे ना ये सिर्फ वैल्यू दे रखी, सिर्फ मार्क्स दे रखे, तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। मुझे इसे डिस्क्रीट में बदलना होना बेटा, तो पहला स्टेप तो ये कि सारे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही क्रम में। मार्क्स को किस ऑर्डर में लिखो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में लिखो। हर मार्क्स को सिर्फ एक बार ही लिखना है। सबसे छोटा मार्क्स देखोगे तो बेटा 2 नजर आ रहा है बेटा मुझे, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। हर एक मार्क्स को बेटा ना अब हम लोग यहाँ पर टैली बार देंगे। बोलो क्या देंगे बेटा, टैली बार देंगे। कैसे देंगे वो तरीका समझना। एट सिक्स टेन एट फोर है, एट तो एट के सामने, फिर 6, फिर 10, फिर 8, फिर 4, ऐसे टैली बार लगाएंगे। फिर 2, 8, 8, 6, 2 है तो 2, 8, 8, 6, 2, फिर 10, 6, 4, 6, 8, 10, 6, 4, 6, 8, अब 4 हो गया ना, तो बेटा 5वां टैली बार ऐसे क्रॉस करके लगाते, मतलब कि ये 5-5 का बंच बन जाएगा। फिर 8, 10, 8, 2, 4 है, 8, 10, 8, 2, 4, फिर 4, 10, 8, 6, 8, 4, 10, 8, 6, 8, ये हमारे लिए टैली बार लग गए। जिस वैल्यू के जितने टैली बार आए हैं उससे काउंट कर लो बेटा, ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। 3 टैली बार हैं इसके, इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 5, 4, 4, 9 है और इसके 4 है। ये सम लगा लो, इसको n कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बेटा 25 थी बेटा मेरे पास, तो इसका सम भी लगाओगे ना तो 25 ही आएगा। ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज बनाना। तो बेटा क्या करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए, हर वैल्यू को बेटा हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पर हर वैल्यू को सिर्फ एक एक बार ही लिखते हैं। फिर हर वैल्यू को हम लोग टैली बार देंगे। टैली बार कैसे देंगे, देखते जाएंगे वैल्यू कौन सी आई है, उसके सामने से लाइन खींचनी है, 5वां टैली बार तिरछा खींचना है, और जितने टैली बार आएंगे उससे हम लोग फ्रिक्वेंसी देंगे। तो कभी भी बेटा मुझे एक्स के साथ फ्रिक्वेंसी दे दी जाए, सिर्फ वापस से माइंड में बिठाओ, सिर्फ मेरे पास बेटा नाम के साथ वैल्यू है, रोल नंबर के साथ वैल्यू है, सीरियल नंबर के साथ वैल्यू है, मंथ के साथ वैल्यू है, ईयर के साथ वैल्यू है, या सिर्फ वैल्यू है, तो इंडिविजुअल सीरीज है। पर कभी अगर बेटा मुझे ना वैल्यू के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी दे दे, तो उस सिचुएशन को बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। इंडिविजुअल डेटा से डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए हर वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हर वैल्यू सिर्फ एक बार लिखेंगे, हर वैल्यू को टैली बार देंगे, जिसके जितने टैली बार आएंगे वो हमारे लिए फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। मान लो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बेटा ये कौन सी सीरीज होगी हमारे लिए, डिस्क्रीट सीरीज होगी।
यहाँ पर मार्क्स एक्स कहलाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे। तो ये जो मार्क्स है ना बेटा, ये तो एक्स कहलाएंगे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे। सर कैसे पहचाना आप? देखो ना, इसका एक रूल होता है, जो वैल्यू मीनिंग में बड़ी होती है, मीनिंग में बड़ा होता है वो हमेशा फ्रिक्वेंसी होता है। मार्क्स बड़ा है या स्टूडेंट बड़े हैं? स्टूडेंट बड़ा है ना मीनिंग में बेटा, स्टूडेंट होंगे तो मार्क्स होंगे, तो स्टूडेंट बड़े हैं, मार्क्स तो एक उसके पाने वाली वैल्यू है, तो इसलिए मार्क्स एक्स कहलाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे। मान लो क्वेश्चन में वेजेस दे रखें और नंबर ऑफ वर्कर दे रखें, बताओ वेजेस बड़ा है या वर्कर बड़ा है? वर्कर बड़ा है ना बेटा, वर्कर को तो फ्रिक्वेंसी कहोगे, वेजेस को एक्स कहोगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ फ्लावर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ प्लांट दे रखा है, बताओ कौन बड़ा है? फ्लावर बड़ा है या प्लांट बड़ा है? पौधे बड़े हैं ना, उसमें उगने वाला एक फूल छोटा है उससे, तो प्लांट बड़ा है ना बेटा, इसको फ्रिक्वेंसी कहेंगे और फ्लावर को हम लोग एक्स कहेंगे। ऐसे ही मैं कहूं कि नंबर ऑफ गोल, नंबर ऑफ मैच, गोल बोले तो फुटबॉल मैच में कितने गोल हुए हैं, कौन बड़ा है, गोल बड़ा है या मैच बड़ा है? मैच बड़ा है ना बेटा, मैच बड़ा है मीनिंग में, इसलिए मैच को फ्रिक्वेंसी कहेंगे और गोल को एक्स कहेंगे। कई बार वो जानबूझकर ये चीजें इधर लिख देता है और ये इधर लिख देता है, तो ऐसा नहीं होता है कि जो इधर लिखी हुई है वो एक्स है और इधर वाली फ्रिक्वेंसी, ना 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 ना, जो मीनिंग में बड़ा है बेटा उसे हमेशा एक्स फ्रिक्वेंसी कहते हैं और जो मीनिंग में छोटा है उसे हम लोग एक्स कहते हैं। ये यहाँ तक का कंटेंट है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अकॉर्डिंग, ये अपनी नोटबुक में बेटा कंप्लीट करना। कल मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज पढ़ाऊंगा, खंडित अखंडित श्रेणी और इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर जाकर हम लोग बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये कंप्लीट करिए, बाकी हम लोग कल करते हैं।